स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। पिछले क्लास में वॉइस की चर्चा हम लोग कर रहे थे, अब आगे उसे बात हमको करनी है। तो अगला है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन डू डज डीड से शुरू हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है डैश। देखकर स्ट्रक्चर समझिए, इज, एम, आर, वाज, were, plus subject, plus v3, by, agent, a plus question mark। ठीक है, हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन डू डज डिड से शुरू हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है इज, एम, आर, वाज, वर, सब्जेक्ट, v3, बाई, एजेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने कहा डज सीता राइट ए स्टोरी, डज सीता राइट ए स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या है, डू डज डिड से शुरू है यानी डज से, तो डू डज क्या है, प्रेजेंट टेंस है और डीड पास्ट टेंस होता है। ठीक है ना, तो अगर डू डज से शुरू होगा तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है इज, एम, आर, डीड से शुरू होगा तो पास्ट टेंस का वर्ब है वाज, वर। समझ गए ना बात, तो यहां डज से शुरू है यानी इज, एम, आर में कुछ लगेगा तो वो लगेगा जो पैसिव में जो सब्जेक्ट यहां बनेगा उसके अनुसार वर्ब लगेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो ए स्टोरी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए वर्ब हो गया इज। ठीक, उसके बाद है सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया यानी ए स्टोरी। ठीक है, इज ए स्टोरी, तब v3, तो राइट का v3 रिटेन बाई, सीता है तो नाउन है तो एजेंट के रूप में नाउन लिखाएगा वो, इज ए स्टोरी रिटेन बाई सीता और क्वेश्चन मार्क यहां दे दीजिए। ठीक है, हमने कहा डीड मुकुल बाई द ट्वाइस, डिड मुकुल बाय द ट्वाइस। ठीक है, अब क्या है, डिड है, डिड क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा वाज, वर। अब क्या है कि यहां ऑब्जेक्ट द ट्वाइस है जो प्लूरल है तो इसके अनुसार यहां वर्ब लगेगा यानी सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल बनेगा इसलिए वर्ब लगेगा प्लूरल वर। उसके बाद सब्जेक्ट है तो द ट्वाइस, अब बाई का v3
bought by, फिर मुकुल यहां नाउन है, मुकुल क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यदि एक्टिव सेंटेंस का मैं एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर डू डज डिड से शुरू हो तो पैसिव का पैटर्न हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, सब्जेक्ट, वी थ्री, बाई प्लस एजेंट, जो ये प्रेजेंट टेंस का और ये पास्ट टेंस का दो एग्जांपल आपको हमने बतला दिया, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन हैज, हैव, हैड से शुरू हो, हैज, हैव, हैड से शुरू हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक है, सॉरी पहले ये नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो हैव हैज हैड से शुरू हो तो पैसिव का पैटर्न होता है हैज, हैव, हैड, ठीक है। हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे हैज राहुल ब्रोकन माई चेयर्स, हैज राहुल ब्रोकन माई चेयर्स, ठीक है। तब क्या होगा, हैव हैज हैड पहले लगेगा तो हैड से अगर होगा तो हैड लगेगा, हैव हैज में थोड़ा सोचने की बात है, तो यहाँ राहुल थर्ड पर्सन है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट एथ वर्ब लगा है हैज। अब यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा ये माई चेयर्स, इसका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो माई चेयर्स चूंकि प्लुरल है तो इसलिए अब वर्ब यहाँ हैज न लगकर हो जाएगा हैव, सब्जेक्ट हो गया माई चेयर्स, Have my chairs, तब क्या है been, भीतरी है तो broken भीतरी है ये है, उसके बाद बाई और राहुल है तो राहुल question mark, ठीक है। ये हो गया कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर हैज, हैव, हैड से शुरू हो तो पैसिव का पैटर्न हो जाएगा हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, समझ गए, कोई असुविधा नहीं। चलिए उसके बाद है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर मॉडल वर्ब से शुरू हो, मॉडल वर्ब अभी हमने आपको बताया मॉडल वर्ब, ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह मॉडल वर्ब है। तो हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर मॉडल वर्ब से शुरू हो तो पैसिव का पैटर्न होता है क्या, मॉडल वर्ब,
modal verb plus subject plus B plus V3 plus by plus agent plus question mark. ठीक है, जैसे कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क. तो कैन क्या है, यहां मॉडल वर्ब है. कैन ही डू दिस वर्क, क्या वह यह काम कर सकता है. ठीक है, तो मॉडल वर्ब पहले हो जाएगा, यानी कैन. अब दिस वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है, जो आगे यहां सब्जेक्ट हो जाएगा. दिस वर्क, उसके बाद है बी, तब है बी थ्री, डू का बी थ्री, यस डन, बाय ही का हो जाएगा हिम क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये हो गया मॉडल वर्ब से. जैसे हमने कहा शूड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, शूड द डॉक्टर एग्जामिन हिम. तो फिर यहां शूड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब से शुरू है, तब पैसिव में हो जाएगा शूड. हिम यहां ऑब्जेक्ट है, जो यहां आ जाएगा सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव दोस्तों जाएगा ही, तो शुड ही. उसके बाद क्या है बी, तो भी थ्री एग्जामिन का एग्जामिंड बाय एजेंट हो गया द डॉक्टर. और क्वेश्चन मार्क, समझ गए. तब क्या हो गया, शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर. तो ये हो गया कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर मॉडल वर्ब से शुरू हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होगा क्या, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट बी वी थ्री बाय एजेंट क्वेश्चन. Okay, thank you. अब आगे चलिए कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, डब्ल्यू एच वर्ड जिसको क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है, जैसे व्हाट व्हेन हूज हूम व्हिच, ठीक है ना, तो ये सारे डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले शब्द हैं. तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, उस डब्ल्यू एच वर्ड को पहले हटा देते हैं. तो जब डब्ल्यू एच वर्ड हटाइएगा तब वो क्वेश्चन यस नो हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन हो जाएगा. समझ रहे हैं बात, यस नो क्वेश्चन. हमने पहले आपको बताया है कि क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक कहलाता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा कहलाता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन. तो जितना हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि उसका उत्तर यस या नो में तत्काल निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है. और जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा क्वेश्चन, उसका उत्तर यस या नो में नहीं निकलेगा,
उसका उत्तर सेंटेंस बनाकर देना पड़ता है। तो इसलिए तो यस क्वेश्चन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तब वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जब डब्ल्यू एच वर्ड हटाएंगे तो वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, समझ गए बात। तो इसलिए हमने कहा कि यदि डब्ल्यू एच वर्ड से अगर शुरू हो तो उस डब्ल्यू एच वर्ड को पहले हटा दीजिए, तब क्या हो जाएगा, वह क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। और तब तो उसका पैसे बना लीजिए, जैसे अभी हमने कहा कि डू डज डिड से शुरू हो, हैव हैड हैड से शुरू हो, ठीक है ना। तो उसका पैसे बना लीजिए और जब बन जाएगा तो फिर उस डब्ल्यू एच वर्ड को वाक्य के शुरू में जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर आपको बताया कि डज सीता राइट ए स्टोरी, ठीक है। हमने कहा कि वाई डज सीता राइट ए स्टोरी, वाई डज सीता राइट ए स्टोरी, ठीक है। तब क्या है, सीता कहानी क्यों लिखती है, क्यों लिखती है, तब ये क्या है कि इसका उत्तर यह समय में निकलेगा नहीं, इसका उत्तर बना के देना होगा कि पैसा कमाने के लिए लिखती है या नाम कमाने के लिए लिखती है, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर डू डज डिड से शुरू हो तो यस नो क्वेश्चन होगा, और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो पैसे बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड को हटा दीजिए, हटा दिए तब क्या हुआ, तब यह क्वेश्चन हो गया यस नो क्वेश्चन, डज सीता राइट ए स्टोरी, हुआ ना। तो यदि यस नो क्वेश्चन होगा, अभी हम ऊपर बताएं कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर डू डज डिड से शुरू हो तो पैसिव का पैटर्न होता है ई जा रहे मोबाइल वर्ब, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये डज है तो ई जा रहे में कुछ लगेगा, ये लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये स्टोरी सब्जेक्ट है इसलिए ईज सब्जेक्ट हो गया, ये स्टोरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ये स्टोरी राइट का भीतरी रिटेन बाय सीता, क्वेश्चन मार्क दे दिए। अभी अभी ऊपर देखे लिखे बताए हैं आपको, वहां जाकर देखिए कि इसका पैसिव हमने यही बताया है कि इज ए स्टोरी रिटेन बाय सीता, और जब बन जाए तो इस डब्ल्यू एच वर्ड को फिर यहां शुरू में जोड़ दीजिए, तब क्या हो गया, वाई इज ए स्टोरी रिटेन बाय सीता, समझ गए बात। तो हमने क्या कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन अगर डू डज डिड से शुरू हो तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड पैसे बनाते समय अगर डू डज डिड से शुरू है तो ई जा रहे मोबाइल वर्ड हो जाएगा, और यदि डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा तो उस डब्ल्यू एच वर्ड को पहले हटाइए, तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, उसका पैसे बना लेंगे और जब बन जाएगा तो फिर वो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ जोड़ देंगे। जैसे फिर देखिए, वैन हैव यू ब्रोकन माई चेयर, वेन हैव यू ब्रोकन माई चेयर, आपने मेरी कुर्सी कब तोड़ी है, ठीक है। तो फिर क्या है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, आपको कहना होगा कि कल तोड़े हैं या सवेरे तोड़े हैं, तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो ये डब्ल्यू एच वर्ड को हटाइए, तब हो गया हैव यू ब्रोकन माई चेयर। अभी हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर हैज हैव हैड से शुरू हो तो पैसिव का पैटर्न क्या होता है, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
V3 by agent question mark. ठीक है, तो have है, तो have है जब कुछ लगेगा तो subject के अनुसार में लगेगा, तो subject है my chair, third person singular number, तो इसलिए have नहीं लग के यहाँ हो जाएगा यार has. ठीक है, has. अब subject क्या हो गया, my chair, chair. तब क्या हो जाएगा, been. ब्रोकन V3 है ही, by you क्वेश्चन मार्क दे दिए, और जब ये बन गया तो इस WH वर्ड को फिर यहां जोड़ दिए, यानी when has my chair broken by you, यानी आपके द्वारा मेरी कुर्सी कब तोड़ी गई है, समझ रहे बात. तो ये हो गया कि यदि WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन शुरू हो तो उसका पैसिव इसी तरह बनेगा कि WH वर्ड को हटा देंगे और तब वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, उसका पैसिव बना लेंगे और बन जाएगा, उसके बाद पुनः उस WH वर्ड को वाक्य के शुरू में जोड़ देंगे. ठीक है, अब यहां है कि who भी है, WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, तो यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर who से शुरू हो, who से शुरू हो, तो उसका पैसिव दो तरीके से बनता है. ठीक है, एक है कि हमने कहा कि who wrote the Ramayana, who wrote the Ramayana. ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है कि who से अगर वाक्य शुरू होता है तो who अपने बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ये सब हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ये अपने बाद सीधे वर्ब का रूप लेता है. ठीक है, तो हु रोट द रामायण, तो यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर हु से शुरू हो तो हमने कहा कि इसको पैसिव में बदलने का दो ठो नियम है कि हु बदल जाएगा बाय हुम में, बाय हुम. ठीक है, अब एक ठो, अब क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर्क, तो यहां सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा द रामायण सिंगुलर, इसलिए पास्ट टेंस का सिंगुलर वर्ब हो गया वाज, तब हो गया बाय हुम वाज, सब्जेक्ट हो गया द रामायण, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया और रोड का V3 रिटेन, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन. ठीक है, तो हु से अगर शुरू हो तो हु बदल जाएगा बाय हुम में, और दूसरा इसका है कि इसको हम हु से भी बना सकते हैं, तब क्या हो जाएगा कि हु से जब बनाएंगे तो बाई जो है वो V3 के बाद जाके लगेगा. ठीक है, तो जैसे हो गया हु वाज, सब्जेक्ट बन जाएगा द रामायण, रोड का हो गया रिटेन, हमने कहा V3 के बाद यहां बाई लगेगा. Who was the Ramayana written by? यानी यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो तो उसके बारे में हमने कहा कि WH वर्ड को हटा देंगे तब वह वाक्य यस नो क्वेश्चन हो जाएगा,
उसका पैसे बना लेंगे और फिर उस डब्ल्यू एच वर्ड को बाकी के शुरू में जोड़ देंगे। और दूसरा है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन अगर हु से शुरू हो तो उसका पैसिव दो तरह से बनता है, एक है हु बदल जाएगा बाय हुम में और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, तो रोट यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो द रामायण सिंगुलर है इसलिए पास्ट टेंस का सिंगुलर वर्ब हो गया वाज, तब बाय हुम वाज, तब हो गया सब्जेक्ट द रामायण रिटेन भी थ्री क्वेश्चन मार्क। और हु से बनाएंगे तब हो गया कि हमने हु से अगर बनाएंगे तो भी थ्री के बाद वहां बाई का प्रयोग होगा, यानी हु वाज द रामायण रिटेन बाई, समझ लो। तो ये हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो उसका पैसिव इसी पैटर्न पर बनता है। अगला है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में यह एक्टिव सेंटेंस की अगर बनावट सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू प्लस भी वन, ठीक है। अब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस ई जा रहे मोबाइल वेयर हैव हैड हैड प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू प्लस बी प्लस भी थ्री बाई प्लस एजेंट, ठीक है। तो हमने कहा यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट अगर सब्जेक्ट ई जा रहे मोबाइल वर हैव हैज हैड माने इसमें से कोई प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस ई जा रहे मोबाइल वर हैव हैज हैड, ठीक है, प्लस टू प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। जैसे I am to buy a car. I am to buy a car. ठीक है। Subject हमने क्या कहा? Subject E जा रहे हैं मोबाइल जो था M. उसके बाद सीधे आइए है to. तब he won buy. तब object एक कार, ठीक है। तो पैसिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, तो एक कार इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में एक कार, ठीक है। अब यहां आई है तो वर्ब एम लगा है, अब यहां कार थर्ड पर्सन हो गया तो वर्ब हो गया इज।
उसके बाद सीधे आइए टू, उसके बाद है बी, तो है भी थ्री, तो बाई का भी थ्री बॉट, बाई और आई का हो गया मी, ठीक है। ए कार इज टू बी बॉट बाई मी, ठीक है। हमने कहा राहुल हैज टू हेल्प रानी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, रानी ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हो गई, हैज है तो ये सिंगुलर है, तो हैज, तब टू, तब बी, उसके बाद भी थ्री, तो हेल्प का हो गया हेल्प्ड बाई राहुल, ठीक है। तो ये हो गया यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वर हैव हैज हैड प्लस टू प्लस भी वन हो तो उसके पैसिव का पैटर्न हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वर हैव हैज हैड प्लस टू प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, जो यहाँ आपको दो ठो एग्जाम्पल देकर समझा दिया गया। समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हो गया, अब इससे आगे की बातें अगले क्लास में, ठीक है। पूरा ध्यान से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, आप ही की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई है। ओके देन, थैंक यू।